everyone, my name is Radhika and today I am going to take you to a journey all the way through Udaipur, Jodhpur and Jaisalmer. So today right now I am standing at a highway close to Jodhpur in a small district, Pali. Why we took a stop here? There is a story behind that. So first of all, let me tell you ki main hoon kahan. Main hoon is waqt Bullet Baba temple keh lo, ओम बन्ना टेम्पल कह लो, पाली डिस्ट्रिक्ट में. बुलेट बाबा टेम्पल की स्टोरी शायद ही इंडिया में कोई होगा जिसको ना पता हो. ये बहुत ही पवित्र माने जाने वाला राजस्थान का एक मंदिर है. ये एक राजपूत राजकुमार, ये एक राजपूत की स्टोरी है जो अपने प्रेग्नेंट बीवी से मिलने उसके गाँव गए थे और रास्ते में वापस आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट के तुरंत बाद जब पुलिस ने उनकी बाइक को जो अंदर मंदिर में खड़ी है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उसको पोजीशन में लिया, तो वो बाइक कहते हैं रोज़ रात को पुलिस स्टेशन से निकल के जहाँ ओम बन्ना का एक्सीडेंट हुआ वहीं आकर खड़ी हो जाती थी. बहुत कोशिश की पुलिस ने, कभी उन्होंने पेट्रोल ख़त्म कर दिया, कभी उन्होंने इंजन निकाल दिया, कभी चेन से लॉक किया, बट कोई भी उस बाइक को पुलिस स्टेशन में नहीं रख पाया. तब से ये टेम्पल मान्यता में है और मेरा बचपन का सपना भी था कि मैं कभी यहाँ आकर देखूं. ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1988 का इंसिडेंट है ये, बट हाँ मैं चाहती थी जब मैंने न्यूज़ में देखा था कि मैं कभी ना कभी तो यहाँ आऊँगी. देखो मैं आई. अब मैं आई या लाई गई, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, बताती हूँ क्या. जब मैं दिल्ली से उदयपुर के लिए निकली थी तो मेरा प्लान बिल्कुल क्लियर था कि उदयपुर रुकने के बाद हम जाएंगे जैसलमेर ग्रुप के साथ और वापसी पे जोधपुर होते हुए ओम बन्ना टेम्पल देखेंगे. क्योंकि हमारे ग्रुप आइटनरी में कहीं भी ओम बन्ना टेम्पल नहीं था, तो मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे कैब के लिए, जो मैं अपनी पर्सनल कैब करके ओम बन्ना टेम्पल तक आने वाली थी. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे वो पैसे उदयपुर में कहीं और खर्च हो गए. तो चलो आपको मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ. ये है ओम बन्ना टेम्पल, जहाँ आने के लिए मैंने उदयपुर में प्रे किया था कि ओम बन्ना जी, अगर वाकई आपकी जगह में, आपके मंदिर में कुछ ताकत होगी तो आप मुझे अपने आप बुला लोगे. राजस्थान आने का मेरे दो ही मोटिव थे, एक मुझे पाकिस्तान बॉर्डर देखने का बहुत शौक था और एक ओम बन्ना जी से मिलने का बहुत शौक था. और देखो कोइंसिडेंस देखो कि हमारे ड्राइवर साहब ने हमें उदयपुर से जैसलमेर ले जाते हुए यहीं पर स्टॉप लिया, बिना किसी से बताए, बिना किसी से डिस्कस किए. जब रात के 2 बजे उन्होंने हमें उठाया कि उठ जाओ, ओम बन्ना टेम्पल आया, जिसने जाना चले जाओ, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या हुआ. मगर मैं खुश भी बहुत थी, बहुत एक्साइटेड थी. यही वो बुलेट है जिस पर बैठकर ओम बन्ना अपनी बीवी से मिलने गए थे और वापसी पे उनका एक्सीडेंट हो गया था. गाड़ी का नंबर है RNJ7773 और ये बाइक कहते हैं तब से यहीं खड़ी है, कहीं नहीं जाती. हाँ, मगर एक चीज़ होती है कि ओम बन्ना के बर्थडे के दिन ये बाइक 2-3 सेकंड के लिए खुद से स्टार्ट होती है और खुद से ही बंद हो जाती है, ऐसा पंडित जी का कहना है. मैंने नहीं देखा बट काफ़ी लोगों ने देखा है. इस मंदिर की मान्यता इसलिए भी है कि ये कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स, ट्रैवलर्स और ड्राइवर्स की बहुत सारी मुश्किलें सॉल्व करती है. वाकई करती है, मैं बताती हूँ कैसे. क्योंकि मैंने आपको बताया 2 मेन डेस्टिनेशंस थे मेरे लिए इस जर्नी में इम्पॉर्टेंट. एक ओम बन्ना टेम्पल, वहाँ के दर्शन मुझे हो गए. ओम बन्ना टेम्पल के बाद मुझे जाना है अभी पाकिस्तान बॉर्डर, और पाकिस्तान बॉर्डर में पहुँच पाती हूँ या नहीं देखते हैं. मगर हाँ, ये विश्वास तो मुझे हो गया कि इस जगह में ज़रूर कुछ है जो हमारे जैसे ट्रैवलर्स की मदद करती है. और मैं ओम बन्ना जी से प्रे करती हूँ कि मेरी आने वाली प्रॉब्लम्स भी को सॉल्व करेंगे और हमारी जर्नी को सेव करेंगे. ये वो पेड़ है जहाँ पर ओम बन्ना जी का एक्सीडेंट हुआ था. इस पेड़ के आसपास भी लोग धागे बांधते हैं, मन्नत लेते हैं, और हाईवे से गुजरने वाला हर ट्रक, हर गाड़ी, अगर उसके पास रुकने का टाइम नहीं है तो वो हॉर्न बजाकर ओम बन्ना जी को प्रणाम करके ही आगे निकलता है. अदरवाइज लोग रुकते हैं, आराम से मत्था टेकते हैं और फिर ही आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उदयपुर से जोधपुर की तरफ आओ तो डेफिनेटली 2 मिनट रुक के इस पाली डिस्ट्रिक्ट के ओम बन्ना टेम्पल में ज़रूर बिताओ.
यहाँ आने के लिए आपको कोई टिकट नहीं लगता, एंट्री फ्री है, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। ये मंदिर 24 घंटे सातों दिन खुला है, 24/7 इट्स ओपन। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम उदयपुर टू जोधपुर, राइट इट डाउन दैट यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। आई एम सो हैप्पी एंड सुपर एक्साइटेड दैट वट एवर आई थिंक वो हो गया और मुझे इस जगह के दर्शन हुए। आई एम श्योर मेरी आने वाली जर्नी भी बहुत अच्छी होने वाली है और मैं पाकिस्तान बॉर्डर ज़रूर पहुँचूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर